जय हिंद दोस्तों, आज हम हैं परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद जी के पार्क में। और आप देख रहे होंगे हमारे साथ गन माउंटेन जीप है, जो कि गन माउंटेन का एक स्वरूप रखा गया है। और किनके माध्यम से रखा गया था, इन जो जनरल थे हमारे बिपिन रावत जी, उनको हम जो है कि जय हिंद कहना चाहते हैं और सलाम कहना चाहते हैं। और उन्हीं के माध्यम से ये जो है कि जीप रखवाया गया था। और आज हमारे साथ है कुछ NCC कैंडिडेट, जो कि आज मना रहे हैं विश्व सागर दिवस। विश्व सागर दिवस के बारे में कुछ हम जानकारियाँ दे देते हैं कि विश्व सागर दिवस यानी कि जितने भी हमारे देश के अगल बगल जितने भी समुद्र तट लगते हैं, उनकी सर सफाई और जो है कि उनका ख्याल हमारा रखना धर्म है और हमारा कर्तव्य है। जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हाँ, जैसा कि अभी आपने बताया, यहाँ सभी NCC कैडेट्स जो है इकट्ठा है। हमारी बटालियन 92 UP बटालियन के CO कर्नल संतोष कुमार जी के निर्देशानुसार, बटालियन के निर्देशानुसार हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। देखिए, ये पुनीत सागर अभियान सरकार द्वारा चलाया गया है और उसी अभियान के तहत, चूँकि नदियाँ सब जुड़ती हैं सागर से, तो अगर नदियाँ स्वच्छ रहेंगी तो सागर भी स्वच्छ रहेगा। नदियों में अगर पानी गंदा रहेगा तो सागर में स्वच्छता की कल्पना आप नहीं कर सकते। तो इसके तहत नदियों के घाटों की साफ सफाई का ये अभियान चलाया। आज विश्व सागर दिवस मनाया जा रहा है, तो उसी के तहत जो तटीय इलाके हैं बड़ी बड़ी नदियों के, जैसे गंगा जी के, तो उन लोगों की ड्यूटी वहाँ गंगा जी के तट की साफ सफाई पर लगाई गई है। चूँकि हम लोगों के करीब में सार्वजनिक स्थल में और सेना से रिलेटेड परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद जी का पार्क है, तो हम लोगों को पार्क की साफ़ सफाई और वीर अब्दुल हमीद जी की मूर्ति की साफ़ सफाई का दायित्व चलते आज विश्व सागर दिवस के अवसर पर हम लोगों को दिया गया है। और हम लोग जो है यही आज वीर अब्दुल हमीद पार्क, जो धामूपुर में स्थित है, इसकी साफ़ सफाई जी और इसके पार्क की साफ़ सफाई, इसकी मूर्ति की साफ़ सफाई का दायित्व तो हम लोगों को बटालियन की तरफ से दिया गया है। जी, आपको मैं जो है कि बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सर आप हमारे देश के लिए जो है कि इतना कार्य कर रहे हैं। जो हमारे देश के लिए जो शहीद हुए थे, उनके यहाँ आकर सर सफाई का कार्य कर रहे हैं और हमारा धर्म है सर ये, तो आप सर इन लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं। यस जी, तो ये NCC कैडेट्स हैं जी, जिसमें ये सीनियर डिवीजन के कैडेट्स हैं। NCC टोटल 3 साल का कोर्स है, तो इसमें सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के कैडेट्स हैं। फर्स्ट ईयर की भर्ती अभी बाद में होगी। और चूंकि मलिकपुरा जो हम लोगों की यूनिट है, उसके सबसे करीबी ये वीर अब्दुल हमीद पार्क है, तो समय समय पर जब भी कोई अवसर होता है तो हम लोग साफ सफाई करने यहाँ आते रहते हैं। और हम लोग सेना और कॉलेज के स्टूडेंट के मध्य सेतु का कार्य करते हैं, ताकि स्टूडेंट्स जो है हमारे नेतृत्व में सेना वालों के साथ काम करते हैं मिलके। और ये NCC कैडेट्स हैं। NCC का मेन मोटो है एकता और अनुशासन, ठीक है। ये यहाँ टीम वर्क करना सीखते हैं, क्योंकि अकेले अकेले तो काम करना सब लोग जानते हैं, लेकिन टीम के साथ कैसे काम किया जाता है वो यहाँ सीखते हैं। यहाँ सिखाया जाता है। और यहाँ सबसे बड़ी बात ये सिखाया जाता है कि किस तरह से मिलजुल के काम करना है और मिलजुल के रहना है। जी, यानी ट्रेनिंग का लगभग 70% इसमें सिखा दिया जाता है। हाँ, मेन चीज़ एकता और अनुशासन, ये दो चीज़ें यहाँ सबसे मुख्य है। जी, भर्तियाँ नहीं आ रही हैं, इसके बारे में क्या करें? देखिए, वो सेना का रोल है और मात्र भर्ती के लिए NCC नहीं होती, एक चीज़ ये जान लीजिए। हाँ, NCC कैडेट चूँकि अनुशासित होते हैं, इसलिए भर्तियों में इनको छूट दी जाती है। सेना के अधिकारी रैंक में भर्ती है अगर करना है, तो उसमें ये लोग रिटर्न बिना दिए, NCC की स्पेशल स्कीम आती है जिसके तहत ये SSB का इंटरव्यू दे करके सेना में अधिकारी बन सकते हैं। इसके अलावा सैनिकों की भर्ती के लिए अगर ये दौड़ निकाल लेते हैं, मेडिकल पास होते हैं, तो इनका रिटर्न एग्ज़ाम नहीं लिया जाता, ये छूट दी जाती है। बाकी परीक्षाओं में भी कुछ छूट 5 से 10 या 15% तक इनको मिलती है। लेकिन मेन, जैसा कि हमने बताया कि भर्ती ही NCC का उद्देश्य नहीं है, NCC का उद्देश्य है एकता और अनुशासन।
ठीक है, यानी एकता अनुशासन, यानी किसी भी क्षेत्र का कैडेट हो, किसी भी राज्य का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सब एकदम भाई आपस में एक भ्रातृत्व भावना से जुड़े होंगे, वो सिर्फ भारत देश के कैडेट हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम थे आज वीर अब्दुल हमीद जी के यहाँ, जो सागर दिवस के रूप में यहाँ पे सर सफाई कर किया जा रहा था। यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।